हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई टेक्निकल अक्स से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हटो बच्चो क्रिएशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे चार एम्पलीफायर बोर्ड है हमारे पास, तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड लेना है या फिर कौन सा ऑडियो बोर्ड लेना है अपने पर्पज़ के लिए, मतलब कि हमारे लिए कौन सा बोर्ड सूटेबल रहेगा, तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको जब भी पता चलेगा कि आपको लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट है आपके यूज़ के लिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इस 82 बोर्ड के बारे में। दोस्तों, 82 बोर्ड है, इससे आप छोटे स्पीकर चला सकते हो 4 इंची के, तो आपके रूम में आवाज़ अच्छी खासी आ जाएगी एक रूम में। अगर आप इसमें FM रेडियो वाली स्पीकर लगाते हो तो आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर आपका बेस इसमें कम आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो और ये 1 एम्पेयर पे वर्क करता है, 12 वोल्ट 1 एम्पेयर पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसमें भी आपको सारे कनेक्शन मिल जाएंगे करने के लिए। और दोस्तों, ये सेट्रोन कंपनी का है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कम आवाज़ चाहिए हमें रूम के लिए, तो आप इस बोर्ड के साथ जा सकते हो, ये वाला बोर्ड आपके लिए अच्छा है। फिर दोस्तों, बात करते हैं हम 4.1 होम थिएटर बोर्ड के बारे में। अगर दोस्तों आप बेस के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इस वाले बोर्ड के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, ये वाला बोर्ड आपको मार्केट में चीप प्राइस में मिल जाएगा। ये 40-40 बोर्ड से महंगा रहता है थोड़ा, पर इसमें आपको बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और जो बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी हीट सिंक भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके घर में काफ़ी अच्छी आवाज़ कर देगा। और अब दोस्तों बात करते हैं, ये हमारे पास है 44-40 बोर्ड। दोस्तों, अगर बात करें इस वाले बोर्ड की, तो दोस्तों इस बोर्ड की तो खासियत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, इसमें आपको बेस और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। और बात करें इसकी हीट सिंक दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलने वाली है, और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, अगर आपको वॉल्यूम, साउंड और बेस दोनों अच्छे चाहिए, तो दोस्तों आप इस वाले बोर्ड के साथ जा सकते हैं। इससे आपके 8 इंची के 2 स्पीकर आराम से चल जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा। अगर दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड के बारे में, दोस्तों ये 30-55 बोर्ड है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉइस, तो आप दोस्तों इसके साथ जा सकते हो। दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ रहती है, पर दोस्तों जो इसका बेस रहता है वो ज़्यादा नहीं मिलता हम, तो मतलब 44-40 बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा इसका बेस कम रहता है, पर दोस्तों इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप आवाज़ के शौकीन हो, तो दोस्तों आप इस वाले बोर्ड के साथ जा सकते हो। दोस्तों, इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और पर इसकी दोस्तों कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो इसका ट्रांसफार्मर है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा। अगर दोस्तों बात करें ओवरऑल बोर्ड के बारे में कि आपको कौन सा बोर्ड लेना है, दोस्तों मैं आपको प्रीफर करना चाहूँगा कि आप ये वाला बोर्ड ले 44-40। दोस्तों, जेन्युइन बोर्ड है, आपको कभी भी ख़राब नहीं होगा जल्दी से। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे यूज़ करा है, दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, ये वाला बोर्ड सबसे सस्ता मिलेगा, ये आपके 4.1 से भी सस्ता मिलेगा, और 30-55 से भी इससे थोड़ा महंगा मिलेगा, पर ये बेस्ट है। दोस्तों, कैसी वीडियो लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।